Hello everyone, this is Parvinder and you are watching my channel Bloomcraft. आज हम बात करेंगे is am are. Is am are कब कहाँ कैसे यूज करते हैं इसके बारे में हम आज इस वीडियो में जानेंगे. Is am are always used to talk about the present. ये क्या शो करता है? Present. कौन सा टाइम? प्रेजेंट टाइम. यानी कि अगर हमने प्रेजेंट टाइम के बारे में कोई बात करनी है तो हम इज एम आर का सेंटेंस में प्रयोग करेंगे. इज यूज्ड फॉर वन पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग. यानी कि हम इसको एक पर्सन, जब हम किसी एक पर्सन के बारे में या एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहे होंगे तो हम इज यूज करेंगे. तब हम क्या यूज करेंगे? इज यूज करेंगे. जैसे कि राम, यानी राम एक व्यक्ति एक ही है, उसके बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो हम उसके साथ सेंटेंस में इज यूज करेंगे. अगर हम वन एनिमल के बारे में बात कर रहे हैं या कोई एक चीज के बारे में बात कर रहे हैं तो उसके लिए हम यूज करेंगे इज. अब हम बात करते हैं एम की. Am is always used with I. Am जो है हमेशा I के साथ यूज होगा. अब हम बात करेंगे is की. Is को हम किस किस वर्ड्स के साथ और कैसे सेंटेंस के साथ यूज करें? Is को हम या तो वो वर्ड जो है वो सिंगुलर हो, यानी कि हम एक ही किसी चीज के बारे में या एक एनिमल के बारे में या एक व्यक्ति के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो हम इज यूज करेंगे. राम एक व्यक्ति यानी एक के ही बारे में बात हो रही है तो हम इज यूज करेंगे. एनिमल, अगर किसी एक एनिमल के बारे में बात हो रही है तो इज यूज करेंगे. अगर किसी एक थिंग की बात हो रही है तो हम इज यूज करेंगे. यानी कि वो सेंटेंस कैसा होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए. शी के साथ भी हम इज यूज करेंगे. हम ही के साथ भी इज यूज करेंगे और इट के साथ भी हम इज यूज करेंगे. अब हम बात करेंगे एम. एम इज ऑलवेज यूज्ड विद आई. यानी कि एम हमेशा आई के साथ ही यूज होगा. जब कभी किसी सेंटेंस में आई होगा तो हम उसके साथ क्या लगाएंगे? एम. अब हम बात करेंगे आर की. आर इज ऑलवेज यूज्ड विद यू. आर किसके साथ हमेशा यूज होगा? यू के साथ. और आर इज यूज्ड फॉर मोर देन वन पर्सन. मोर देन वन पर्सन यानी कि अगर एक से ज्यादा व्यक्ति के बारे में बात हो रही है या एक से ज्यादा एनिमल के बारे में बात हो रही है या एक से ज्यादा किसी चीज या किसी वस्तु की बात हो रही है तो हम आर यूज करेंगे. यानी कि वो सेंटेंस, वो वर्ड क्या होना चाहिए? प्लूरल. अगर हम एक से ज्यादा किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं तो हम उस सेंटेंस में आर का प्रयोग करेंगे. अब हम इसको और अच्छी तरह से समझते हैं कि इस किसके साथ लगेगा. यानी कि कोई वर्ड या कोई सेंटेंस अगर वो सिंगुलर है, अगर हम किसी एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं तो इस लगेगा. जैसे कि अगर मैंने शी वर्ड यूज किया है सेंटेंस में तो शी के साथ इस लगेगा, ही के साथ लगेगा, इट के साथ लगेगा. अगर हम किसी के नाम की बात कर रहे हैं, किसी व्यक्ति के नाम की बात कर रहे हैं और किसी एक व्यक्ति का ही नाम उस सेंटेंस में मेंशन है तब भी हम इज का प्रयोग करेंगे. यानी कि वो सेंटेंस क्या होना चाहिए? सिंगुलर, या फिर वो वर्ड सिंगुलर होना चाहिए जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं तो इज का प्रयोग होगा. नेक्स्ट है एम. एम का प्रयोग हमेशा आई के साथ ही होता है. नेक्स्ट इज आर. आर का प्रयोग हम यू के साथ करते हैं, वी के साथ करते हैं, दे के साथ करते हैं. अगर वो वर्ड प्लूरल है यानी एक से ज्यादा की बात कर रहे हैं, आर का प्रयोग हम तब करते हैं जब हम एक से ज्यादा की बात करते हूं. यानी कि अगर
एक से ज्यादा व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं या एक से ज्यादा किसी चीज के बारे में अगर हम बात करते हैं और वो एक से ज्यादा है तो हम आर का प्रयोग करेंगे, यानी कि वो वर्ड या वो सेंटेंस प्लूरल होना चाहिए और आपको सिंगुलर और प्लूरल की जानकारी होनी चाहिए, आपको सिंगुलर और प्लूरल के बारे में पता होना चाहिए, तब आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत इजी समझ में आएगा। अब हम फिलअप की हेल्प से इसको और अच्छी तरह से समझते हैं कि एम का यूज कब और कहाँ लगना है। आई, यहाँ पे आई यूज किया हुआ है मैंने इस सेंटेंस में, यानी कि आई आई के साथ क्या लगना है, एम। तो एम हमेशा आई के साथ ही लगेगा, यहाँ पे भी आई है तो आई एम, आई इसमें भी आई है तो एम। हम इस सेंटेंस को दोबारा पढ़ते हैं। आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूं। आई एम लेट, मैं लेट हूं। आई एम 5 years old, मैं 5 साल का हूं। इस तरह से हम एम का प्रयोग आई के साथ हमेशा करेंगे। अब हमने नेक्स्ट फिलअप लिया है जिसमें हम करेंगे इज का प्रयोग। हम इज का प्रयोग कैसे कैसे सेंटेंसेस होने चाहिए जिसमें हम इसका प्रयोग कर सकें। मैंने लिया है यहाँ पे दिस डैश अ टॉय। अ मतलब एक, टॉय यानी कि ये एक टॉय है, ये एक खिलौना है। दिस दिस जो है वो एक सिंगुलर सेंटेंस शो करता है हमेशा, तो दिस के साथ क्या लगेगा, इज। शी डैश अ गर्ल, शी यानी कि एक किसी गर्ल के बारे में बात हो रही है, तो ये भी सेंटेंस जो है ये वर्ड भी सिंगुलर यूज किया गया है तो हम इज लिखेंगे। ही डैश एब्सेंट, यानी किसी एक लड़के के बारे में बात हो रही है वो क्या है, एब्सेंट है तो इज। इट इज अ कैट, इट के साथ भी इज का इस्तेमाल होगा। मीना डैश माय सिस्टर, मीना यानी कि किसी एक गर्ल का नाम है, मीना यानी कि किसी एक गर्ल के बारे में बात हो रही है तो तब भी हम यहां पे लिखेंगे इज, यानी कि ये सेंटेंसेस क्या हुए, ये सेंटेंसेस हुए सिंगुलर। अब हम बात करेंगे आर। आर हम कब और किस वर्ड के साथ यूज करें। यू के साथ हमेशा आर ही लगता है, यू आर माय फ्रेंड आर। वी के साथ भी आर ही हमेशा लगता है, ये हमें चीजें याद करनी पड़ेंगी कि किसके साथ क्या लगता है, यानी किसके साथ कौन सा वर्ड लगता है, ये हमें लर्न करना पड़ेगा, ये हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस जितनी करोगे उतनी ही आपको ये चीजें क्लियर होंगी। दे, दे के साथ भी आर, क्योंकि दे वी जो है वो एक से ज्यादा व्यक्ति को शो कर रहा है, यानी कि एक से ज्यादा लोगों के बारे में इसमें बात हो रही है। लेकिन यू के साथ हमेशा आर ही लगेगा क्योंकि ये रूल है, ये इस इंग्लिश ग्रामर में एक रूल है कि यू के साथ आर ही लगेगा। चिल्ड्रन यानी कि चिल्ड्रन, यानी एक से ज्यादा बच्चों के बारे में बात हो रही है तो चिल्ड्रन आर राइटिंग। सोनी एंड रीना, यानी कि यहाँ पे दो गर्ल्स के बारे में बात हो रही है, यानी कि ये सेंटेंस क्या हुआ, प्लूरल हुआ, यानी एक से ज्यादा लोगों की बात हो रही है तो हम यहाँ पे भी लगाएंगे आर। क्या लिखेंगे, आर। सोनी एंड रीना आर डांसिंग। अब हम जल्दी जल्दी से इसको रिकैप कर लेते हैं। एम के साथ हमेशा आए आएगा, इस जो है किस किस के वर्ड के साथ आएगा, किस वर्ड के साथ हम यूज करेंगे, दिस दैट शी ही इट और कोई भी एक सिंगल नाम यानी किसी एक व्यक्ति का नाम हो, वो सेंटेंस सिंगुलर हो या वो वर्ड सिंगुलर हो तो हम इसका प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट इज आर। आर किस किस वर्ड्स के साथ लगेगा, दीज दोज यू वी दे, मोर देन वन पर्सन, यानी कि एक से ज्यादा किसी पर्सन के बारे में बात हो रही है और या सेंटेंस प्लूरल है या कोई वर्ड प्लूरल यूज किया गया है सेंटेंस में तो हम यूज करेंगे आर। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में कोई और नया टॉपिक लेकर फिर से हाजिर होंगी, तब तक के लिए टेक
टेक केयर, गुड बाय।